हाय गाइस, माय नेम इज़ सुष्मिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल फॉर एवर। तो आज का जो वीडियो है वो मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, बट आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप यू विल लाइक इट, बिकॉज आज का जो वीडियो है वो मैं काफ़ी समय से करना चाह रही थी, बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं नहीं कर पा रही थी, बट फाइनली मैंने ये वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए। तो आई होप यू विल इन्जॉय। मैं आपको बता दूँ कि आज का जो वीडियो है वो है एक हॉल वीडियो। तो मैंने पिछले साल 2020 पिंक फ्राइडे सेल से कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे। अराउंड मेरे सारे प्रोडक्ट्स 10,000 से अबव के थे, तो ये काफ़ी बहुत एक्सपेंसिव शॉपिंग था मेरा नायका से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ मेरे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं शेयर करूँ। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो गाइज़, ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ। तो ये जो वीडियो है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये है पार्ट वन, जिसमें कि आपको सिर्फ मेकअप के प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊँगी, और इसके बाद जो वीडियो आएगा पार्ट टू, उसमें सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स होंगे। सो गाइज़, बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, ये रहा पूरा बॉक्स जो जिसमें पूरे प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पूरा बॉक्स है जिसमें कि पूरे प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। तो गाइज़, मेरा जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये मेबेलिन मैट पोरलेस फिटमी फाउंडेशन इन द शेड 120 क्लासिक आइवरी। तो ये जो फाउंडेशन है ये मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में ही मिला था, बट मुझे याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट इसका प्राइस क्या था, मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूँगी। तो गाइज़, मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट था वो था ये, तो दिस इज़ द मेबेलिन न्यूयॉर्क इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर मल्टी यूज़र कंसीलर। दिस इज़ माई फेवरेट कंसीलर, मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ। तो ये जो कंसीलर है ये फुल कवरेज आपको देगा। और इसका भी प्राइस अराउंड, मैं आपको बता दूँ, इसका जो रियल प्राइस है वो 620 रुपीज़ है, बट ये भी मुझे कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में मिला था, तो मैं आपको यहाँ कहीं मेंशन कर दूँगी। गाइज़, मेरा जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है एक ब्यूटी ब्लेंडर। दिस इज़ फ्रॉम डीपी ब्रॉन्सन प्रोफेशनल। ये बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है गाइज़। अगर आप एफोर्डेबल प्राइस में कोई ब्यूटी ब्लेंडर चाहते हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, दिस इज़ वेरी चीप। इसका जो ब्लेंडर है वो ये, एक्चुअली मैंने इसे यूज़ किया है तो ये थोड़ा डर्टी हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, आपके बेस को बहुत अच्छे से बहुत अच्छा है ये, मतलब इतने दाम में अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो सही है। और इसका जो प्राइस है वो है 250 रुपीज़, बट मुझे ये 120 रुपीज़ में मिला था, विच इज़ वेरी गुड। गाइस, मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है स्विस ब्यूटी की तरफ से, तो ये है लूज फॉइल पिगमेंट आई शेडो। तो ये मैंने दो शेड बाई किया है, और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता दूँ, इसका जो प्राइस है वो है 149, और ये मुझे मिला है 134 रुपीज़। और मेरा जो दोनों शेड है वो है गोल्डन एंड सिल्वर। तो जो मेरा पहला शेड है, जो मेरा गोल्डन वाला शेड है वो है 02, और जो मेरा सिल्वर शेड है वो है 11। तो ये दो प्रोडक्ट। तो मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो भी मेबेलिन के तरफ से है। दिस इज़ अ मेबेलिन न्यूयॉर्क द हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्करा। तो ये काफ़ी अच्छा मस्करा है गाइस। आप कोई वाटरप्रूफ अच्छा मस्करा लेना चाहते हो गाइस, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। ये बहुत अच्छा मस्करा है और ये वाटरप्रूफ है गाइस। अगर आप वाटरप्रूफ नहीं चाहते हो तो मेबेलिन में इस रेंज में सेम मस्करा आता है जो वाटरप्रूफ नहीं होता, बट दिस वन इज़ वाटरप्रूफ। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये है ब्रॉन्सन प्रोफेशनल मिनी मेकअप स्पॉन्ज, जो कि मुझे इस पैकेट में रिसीव हुआ था। इसमें टोटल 8 पीस रहते हैं गाइस, यू कैन सी लाइक दिस, इसमें टोटल 8 पीस रहते हैं गाइस। ये बहुत अच्छा स्पॉन्ज है और ये भी बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप कोई मिनी स्पॉन्ज चाहते हो, जैसे अपने अंडर आइज़ के नीचे कंसीलर, अगर आपको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होती है बड़े स्पॉन्ज से, तो आप छोटा वाला स्पॉन्ज ले सकते हो। तो ये मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है गाइस। ये मिनी मेकअप स्पॉन्ज है और ये 8 पीस में आता है, लाइक दिस यू कैन सी, ये पूरा 8 पीस में आता है। मैं आपको दिखा दूँ, इसमें से मैंने कुछ स्पॉन्ज निकाले हुए हैं तो वो यहाँ वहाँ है इसलिए, बट मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरीके का रहता है ये स्पॉन्ज, देख सकते हैं आप।
दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी गुड क्वालिटी, मतलब बहुत अच्छा है ये गाइस। मैं खुद ही से यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, अगर आप कोई अच्छा मिनी स्पॉन्ज चाहते हो तो यू कैन ट्राई दिस, बहुत अच्छा स्पॉन्ज है। और इसका जो प्राइस है वो है, तो गाइस इसका जो प्राइस है वो है 125 रुपीज़, जो कि मुझे सिर्फ 75 रुपीज़ में मिला था, विच इज़ ग्रेट डील। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये भी ब्रॉन्सोन प्रोफेशनल की तरफ से है। ये है गाइज, दिस इज़ अ सेक्शन क्लिप, दिस इज़ अ सेक्शन क्लिप, मैं आपको दिखा दूँ, ये सेक्शन क्लिप है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सी सेक्शन क्लिप, इसका पूरा पेयर आता है जो कि 5 पीस का रहता है गाइज। इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूँ गाइज, इसका जो प्राइस है 300 रुपीज़ है, बट मुझे ये 225 रुपीज़ में मिला था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, वो है ये ब्लू हेवन का लिक्विड लिपस्टिक। ये बहुत अच्छा लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक है, और मुझे ब्लू हेवन का, मैंने ब्लू हेवन का पहले भी 2-3 लिपस्टिक यूज़ किया है, ये बहुत अच्छा लिपस्टिक है गाइज। ये आपके लिप को बहुत ज़्यादा मैट नहीं करता, ये सेमी मैट रखता है ये लिपस्टिक आपके लिप को, और ये विंटर के लिए भी ठीक है। एक्चुअली विंटर हम बुलेट लिपस्टिक ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज ठंड में मैट लिपस्टिक लगाना उतना कंफर्टेबल नहीं रहता, तो हम बुलेट लिपस्टिक लगाते हैं, तो ताकि हमारा जो लिप है वो मॉइस्चर, उस पर मॉइस्चर बना रहे। बट आई विल रिकमेंड यू दैट ये आप ठंड में भी लगा सकते हो, ये आपके लिप को थोड़ा सा भी मैट नहीं करेगा, बहुत अच्छा लिपस्टिक है गाइज़। ये मैं इसे खुद यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार ये लिपस्टिक यूज़ करो। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, आप अपने हिसाब से जाकर देखिए और अपने शेड्स आप बाई कर सकते हैं। इसका भी प्राइस ज़्यादा नहीं है, अराउंड 200 के अंदर का है ये लिपस्टिक, मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूँगी, बट गाइज इसमें मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था। सो या गाइज, जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है वो भी मेबेलिन की तरफ से है। मैंने ये 6 बुलेट लिपस्टिक एक साथ लिए हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट में मिल गया था गाइज़। ये जो लिपस्टिक है ये आप जाकर नायका पे देख लेना, ये जो लिपस्टिक है ये एक लिपस्टिक का जो प्राइस है वो 300 रुपीज़ है, 299 रुपीज़ इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 299 रुपीज़ है, बट मुझे ये भी डिस्काउंट में मिला था गाइज़। तो मुझे ये एक लिपस्टिक का प्राइस 150 रुपीज़ पड़ा, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता था, तो मैंने ये 6 शेड्स बाई किए। और अब जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है विच इज़ दिस कॉटन बर्ड्स, तो मैंने ये भी लिया है, और इसका एक्चुअली इसका जो प्राइस है वो 250 रुपीज़ था, बट ये भी मुझे कुछ डिस्काउंट प्राइस में मिला था 100 समथिंग का, जो कि बहुत सस्ता था, बट या। सो गाइज, अब जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है वो है फ्रॉम द ब्रांड पैक कॉस्मेटिक्स। तो ये जो प्रोडक्ट है दिस इज़ अ मेकअप ब्लेंडर। ये जो प्रोडक्ट है इसका जो रियल प्राइस था वो था 625 रुपीज़, बट ये मुझे 594 रुपीज़ में मिला था। सो या, तो गाइस मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है फ्रॉम द ब्रांड कॉल लॉरियल पेरिस। और ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में भी मैंने बहुत रिव्यू सुना था इंस्टा पे, बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स, मेकअप आर्टिस्ट इसके बारे में बहुत ही अच्छा रिव्यू दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि मुझे एक अच्छे जेल लाइनर की तलाश थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे एक चांस देकर देखूं कि ये कैसा प्रोडक्ट है। सो या, मैंने ये प्रोडक्ट लिया था गाइज। ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये सस्ता नहीं है। ये एक, लेट मी शो यू फर्स्ट, ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है, इसके साथ एक ब्रश है, यू कैन सी द एप्लीकेटर विच इज़ वेरी गुड, और जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा है, दिस इज़ द ग्लास बॉटल, और इसका जो, यू कैन सी द प्रोडक्ट गाइज। मैंने ये लाइनर यूज़ किया है, और मैंने जो कुछ भी इस लाइनर के बारे में सुना था, ये एग्जैक्टली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइज। अगर आप एक अच्छे वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग जेल लाइनर लेना चाह रहे हो तो यू कैन बाय दिस। हाँ, ये थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइज, यू विल नेवर रिग्रेट दिस। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आई विल हाईली रिकमेंड यू। एंड दिस इज़ इन द शेड 01, विच इज़ वेरी ब्लैक, प्रोफाउंड ब्लैक, द शेड इज़ प्रोफाउंड ब्लैक। तो ये जो प्रोडक्ट है गाइज, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये अराउंड 800 का है ये प्रोडक्ट, और मुझे ये डिस्काउंट में मिला था अराउंड 520 रुपीज़। तो ये मुझे 520 रुपीज़ में मिला, ये 800 का प्रोडक्ट मुझे 520 रुपीज़ में मिला, विच इज़ वेरी गुड डील। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो द ब्रांड कॉल लॉरियल पेरिस।
तो ये है एक्चुअली, दिस इज़ अ मेकअप फिक्सर, द लॉरियल पेरिस इनफ्लेडिबल प्रो स्प्रे सेट मेकअप एक्सटेंडर सेटिंग स्प्रे। सो गाइज, दिस मेकअप फिक्सर विल नॉट गिव यू अ मैट फिनिश, बट दिस इज़ प्रीटी मच बेटर। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉस्ट 800 रुपीज़, बट ये मुझे 520 रुपीज़ में मिला था। सो या ऑलमोस्ट जेल लाइनर इसका सेम प्राइस है। सो गाइज, माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल मेकअप रेवोल्यूशन। तो ये दो पैलेट मैंने नाइका से पिंक फ्राइडे सेल में लिया है, एंड गाइज दिस प्रोडक्ट इज डैम 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 गुड प्रोडक्ट, आई एम सॉरी। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, एक्चुअली दिस इज़ अ आई शेडो पैलेट विच आई हैव गॉट इन वेरी वेरी चीप प्राइस। आई गॉट दिस इन ह्यूज डिस्काउंट। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि ये जो पैलेट है ये बहुत अच्छा पैलेट है गाइज, ये दोनों बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट्स हैं रेवोल्यूशन के। एक्चुअली मैंने मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट्स अभी तक यूज़ नहीं किए थे, तो ये दोनों मेरा फर्स्ट परचेज है फ्रॉम दिस ब्रांड, एंड आई एम रियली रियली वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस प्रोडक्ट। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आई एम सुपर हैप्पी विद दिस पैलेट। द रियल प्राइस ऑफ दिस पैलेट इज़ 1900 अप्रॉक्स। सो ये दो पैलेट मिला के आपको इसका रियल प्राइस 1900 रुपीज़ था, बट ये मुझे सिर्फ 950 रुपीज़ में मिला, जो कि 50% डिस्काउंट पड़ा मुझे। तो ये दोनों प्रोडक्ट मुझे 950 रुपीज़ में मिला। गाइस लेट मी शो यू द शेड्स, ये देख सकते हो आप शेड्स, ये इसका शेड्स है, ऑल वॉर्म न्यूट्रल शेड्स आर देयर। दिस इज़ द पैलेट इन द शेड न्यूट्रल्स टू, दिस इज़ द शेड ऑफ दिस पैलेट, एंड दिस वन इज़ इन द शेड वेलवेट रोज। जस्ट यू कैन सी द शेड्स गाइस, आई एम इन लव विद दिस पैलेट। एक्चुअली मैंने ये पिंक फ्राइडे सेल में लिया था, तो आप पिंक फ्राइडे सेल में ज़रूर चेक करना कभी ना कभी, ये कभी ना कभी डिस्काउंटेड प्राइस में ज़रूर आएंगे, एंड देन यू कैन बाई देम। गाइस माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस टेलकॉम। एक्चुअली मुझे टेलकॉम, एक अच्छा टेलकॉम चाहिए था। इसका जो प्राइस है वो मैं आपको यहाँ कहीं मेंशन कर दूंगी गाइस। ये भी मुझे अराउंड 100 रुपीज़ के अंडर में मिला था, जो कि बहुत ही सस्ता था। सो गाइस, अब मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखा दूँ, विच इज़ अ हेयर सेटिंग स्प्रे फ्रॉम द ब्रांड गैट्सबे। दिस इज़ अ हेयर सेटिंग स्प्रे, और ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। ये जो प्रोडक्ट है ये, इसमें मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था, ये 200 रुपीज़ का था और मुझे 200 रुपीज़ में ही ये प्रोडक्ट मिला। बट ये जो हेयर सेटिंग स्प्रे है ये बहुत अच्छा है गाइस। अगर आप कोई अच्छे और सस्ते हेयर सेटिंग स्प्रे लेना चाह रहे हो तो यू कैन जस्ट ट्राई दिस। सो गाइस, अब जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है दिस डेज। तो ये है लॉरियल पेरिस की तरफ से। तो गाइज़ ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट गाइज, बहुत अच्छा सीरम है। अगर आप एक अच्छे सीरम लेना चाह रहे हो तो आप प्लीज़ ये ट्राई करो। ये थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, बट दिस इज़ वेरी गुड सीरम गाइज। तो अगर आप कोई अच्छे सीरम और हीट प्रोटेक्टर दोनों की तलाश में हो तो आप ये सीरम ज़रूर यूज़ करो गाइज, दिस इज़ वेरी गुड। आप देख सकते हैं मैं इसे यहाँ तक यूज़ कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट, ये प्रोडक्ट बहुत सही है गाइज। I will highly recommend you this serum. This is also from the brand called Pack Cosmetics. तो ये है पैक का HD लिक्विड फाउंडेशन, जो कि बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है गाइज। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत सही प्रोडक्ट है गाइज, अगर आप एक अच्छा फाउंडेशन चाहते हो तो यू कैन जस्ट ट्राई दिस आउट। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। हाँ, इसका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट द प्रोडक्ट इज़ वर्थ इट। ओके, सो दिस इज़ अ HD लिक्विड फाउंडेशन, और ये मैं अपने ब्राइडल्स पे भी ट्राई कर चुकी हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, पूरा HD बेस देता है ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। लेट मी चेक द प्राइस, इसका जो प्राइस है वो अराउंड 800 समथिंग, मतलब 900 समथिंग का ये जो प्रोडक्ट है, बट मुझे ये कुछ डिस्काउंट में ही मिला था, 700 समथिंग में मुझे ये प्रोडक्ट मिला। तो मैंने ये 3 शेड बाई किया, मैं आपको शेड का नेम बता देती हूँ। द फर्स्ट शेड इज़ 1.6, द सेकेंड शेड इज़ 2.5, एंड द थर्ड शेड इज़ 4.7। ये 3 शेड मैंने बाई किया है नाइका से गाइज। अब जो मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ उसका मैं ज़्यादा रिव्यू नहीं करूँगी, बस आपको दिखाऊँगी, क्योंकि ये दोनों का जो वीडियो है वो जल्द आने वाला है फुल रिव्यू के साथ, तो आप उसका वेट कीजिए। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये क्या है। 2 चीज़ है, जिसमें से पहला है एलन ट्रूमन का हेयर स्ट्रेटनर, विच इज़ ब्लैक डायमंड वाइल्ड स्टाइलर। मैं ये स्ट्रेटनर बहुत दिन से लेना चाह रही थी, बट मुझे इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं मिल रहा था। सो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है एलन टूमन सेरेमिक कर्लर, एक्चुअली दिस इज़ अ टोंग मशीन। और ये दोनों जो मैंने लिया है वो अपने वैनिटी पर्पज़ से लिया है, तो
ये है इसका टोंग मशीन, और ये दोनों गाइज मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में ही मिला था, तो मैंने ये दोनों को बाय कर लिया। सो गाइज मैं इस प्रोडक्ट का फुल रिव्यू करने वाली हूँ अपने चैनल पे, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। एंड द लास्ट प्रोडक्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, तो मैंने ये डिटॉल का डिसइंफेक्ट स्प्रे लिया है, जो कि मुझे डिस्काउंट में ही मिला था। मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो मैंने ये लिया है ऑल्सो फॉर माई वैनिटी पर्पज़, क्योंकि मैं बहुत जगह जाती हूँ अपने सामान लेकर, मैं अपने सामानों को डिसइंफेक्ट करना नहीं भूलती, तो इसलिए मैंने ये डिसइंफेक्ट स्प्रे लिया। डिटॉल का है ये, आप देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है गाइस। तो गाइस दिस इज़ फॉर टुडे, आई होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियो, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज कमिंग सून, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।